जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने रूम का रूम टूर आपको अलग से दूंगी, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज हम इस व्लॉग में देखने वाले हैं मेरा प्यारा सा रूम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिसने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा हो इस पूरे रूम का तो मैं दिखा रही हूँ, बट मैंने पूरे घर का व्लॉग डाल चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा हो तो जाके फटाक से लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। एंटर करते ही पहले आता है ये फ़ोटो जो मैं दिखा दूँ आप लोगों को, और ये प्रियंका धीरेन, जो कि प्रियंका छुप गया है पर्दे से। और इसके अंदर देखा जाए तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कबाड़ है, कुछ बुक्स हैं, और यहाँ पे नीचे खाली रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्दा लगा के रखा है ताकि दिखे ना, मैं इस पे कुछ भी रख देती हूँ। फिर आता है ये, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार, मैंने बहुत प्यार से अपने रूम को सजाया है। आप मेरे रूम को देख के, जो मेरी वीडियो को देख रहा होगा उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रूम में अगर आपका भी रूम इतना बड़ा है तो रूम में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, और किस तरीके से पेंट करवाना है, किस तरीके से रूम को सजाना है, और क्या क्या चीज़ें हम अपने रूम पे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दूसरों लोगों को भी ये आइडिया मिल सके कि रूम को कैसे डेकोरेट करना है और क्या चीज़ें अपने रूम में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, ऐसे ऊपर चढ़ जाती हूँ। ये है मेरे हाथों से बना हुआ, ये मैंने खुद बनाया है ये झूमर, ये भी मैंने ब्लू कलर का ही बनाया क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारे छोटे छोटे से तोते, बट ये मेरा नहीं है, ये नीलम का है, भांजी का। ओ यहाँ पे लगा दिया इसने। फिर ये जो फ़ोटो है, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे अपने टीवी लगाएंगे, बट हमने जब रूम शिफ्ट किया, हम भोपाल जब शिफ्ट हुए तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस रूम से निकाल ली और बहुत सारी चीज़ें रख ली, क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत सारे थे, तो मैंने यहाँ पे सारे गिफ्ट्स अपने सजा के रखे हुए थे। बट मैं मेरे जो कुछ बहुत ही करीब वाले गिफ्ट्स थे, मैं उसे ले गई यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर हम भोपाल में ही रहते हैं, यहाँ तो आ गए हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए। तो ये फ़ोटो जो है यहाँ पे, यहाँ पे पहले हमारी टीवी लगी हुई थी बट हमने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी, ये फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई थी, आपको निशान दिख रहा होगा। तो ये जो है फ्लावर, ये जो फ्लावर है ये दिया था मेरी बहन ने, मुझे शादी में गिफ्ट मिला था, ये मेरी बहन ने दिया है, किरण ने, बुआ की लड़की ने। और ये जो है ये मैंने अपने हबी को दिया था न्यू ईयर पे, क्योंकि शादी के बाद हमारा पहला न्यू ईयर था ये, तो ये मैंने दिया था, ये मेरा नहीं है, ये नीलम का है। और ये जलता भी, मैं आप लोग को चला के दिखाती हूँ, आई थिंक इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, थोड़ा बहुत जल रहा है, देखिए हल्का हल्का, हाँ जल रहा है, चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, आई थिंक लाइट है ना इस वजह से नहीं दिख रहा, चालू है, इसको रख देते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मम्मी का है, ये जब मैं आई थी इस रूम में तो कुछ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी, तो जो मेरा यूज़ का था तो मैंने हटा दिया, रख दिया, और बाकी हटा दिया। तो ये मम्मी का है, और ये मेरी बड़ी बहन ने दिया था, और ये मेरी छोटी बहन ने दिया था। फिर यहाँ पे हमने अलमारी रखी हुई है, इसको खोल के मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरी केवल दो फोटोज़ हैं, एक ये और एक ये, बाकी पूरे रूम में मेरी फ़ोटो नहीं है, केवल ये चमक रहे हैं।
ये इनकी ये वाली थाईलैंड की फोटो है और वो वाली गोवा की फोटो है। ये इनके फ्रेंड हैं, बहुत ही करीबी। और ये बीच वाली पता नहीं है कहाँ की है, मुझे नहीं पता, ये घर की है। फिर ये है मेरा ड्रेसिंग, यहाँ पे मैंने बुक्स रखी हुई थी, बाकी एक दो बुक्स छोटे वाले भैया के पास है क्योंकि वो अपनी रीड करने के लिए लेके गए हैं, इसलिए यहाँ पे अभी खाली है। और ये जो है बिल्ली, शेर, ये सब मम्मी का है। और ये जो है ये बिल्ली मैंने अपनी कबर्ड के अंदर लगाई थी बट ये टूट गई। और ये जो है ये मेरे हबी का है, वो जो जिस कंपनी में पहले वो काम करते थे वहाँ पे उनको ये अवार्ड्स मिले हैं। ये बटरफ्लाई मैंने अपने हाथों से बनाई क्योंकि मुझे रूम का डेकोरेशन मुझे इतना पसंद है, मैं इतना डेकोरेट करती हूँ अपने रूम को, बहुत मज़ा आता है मुझे रूम डेकोरेट करने में। ये हमने इधर इस साइड लगवाया क्योंकि यहाँ पे हमारी ये अलमारी है, इसके पीछे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ, इसलिए हमने इसी इधर साइड डिसाइड किया लगवाने का। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पहले खुला हुआ था, फैन लगा हुआ था, हमने इसको ऐसे पैक कर दिया पूरे रूम को। ये बटरफ्लाई है जो मैंने बनाई है, थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है बट मैं बनाना कुछ चाहती थी, बन कुछ गया, इसलिए मैंने उसको ऐसे लगा दी। हबी ने बोला कि ऐसे उसको लगा दो फोटो के अगल बगल पे, तो ये है हमारा रूम। हमारे रूम की यादें, बहुत मिस करते हैं अपने इस रूम को बहुत ज़्यादा। आधा सामान इसके बेड के अंदर रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इस रूम में रहते तो मैं बहुत सारी चीज़ इसमें और ऐड कर देती, अभी करने वाली हूँ मैं बट अभी नहीं, कुछ समय बाद जब हम लोग आएंगे और कुछ दिन रुकेंगे इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे भी ये जगह खाली है और ये फैन को मैं सेंटर पे करने वाली हूँ आई थिंक, क्योंकि बहुत साइड पे है और एसी लगा हुआ है हाँ साइड पे। ये जो बेड के है बीचों बीच नहीं है ये फैन, तो मैं इसको साइड करने वाली हूँ। देन ये जगह खाली है मेरी अभी, और ये वाली दीवार खाली है तो मैं इस पे कुछ करने वाली हूँ, सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सो ये है मेरा रूम। मेरा रूम आप लोगों को कैसा लगा और मेरे रूम का बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।